देखिए जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर 10 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। कैसे वर्ल्ड वाइड फ्लड इस वक्त फैला हुआ है। सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश हो रही है। यहां लगातार कई जिलों में बारिश बहुत तेज हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। 1 जून से 23 जुलाई तक बाढ़ बारिश से 102 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश में मौसम में 4000 से ज्यादा मवेशियों की भी मौत अब तक हो चुकी है। यहां पर अभी तक की मौत का भी आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। भावनगर, नवसारी, जूनागढ़ और वलसाड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर भारी से भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट पहले ही जारी हुआ है। तो ये देखिए आपने गुजरात में क्या स्थिति है, ये आपने देखी। खतरा अभी टला नहीं है। किस किस तरीके से कौन कौन से जिले हैं जहां पर एक बार फिर से दोबारा वहां मुसीबत की बारिश हो सकती है, इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। जूनागढ़ जिले में धारा 144 पहले ही लागू कर दी गई है। लोगों से 24 जुलाई की रात तक बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। क्या हिंदुस्तान में बारिश का पैटर्न 360 डिग्री बदल गया? जहां सूखा रहता था वहां बाढ़ क्यों आ रही है? जिन जगहों पर नॉर्मल बारिश होती थी वहां बादल क्यों फट रहे हैं? गुजरात में बारिश, बाढ़ वाला जल विस्फोट क्यों फट रहे हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब मौसम वैज्ञानिकों के लिए चैलेंज बना हुआ है। गुजरात का सौराष्ट्र और साउथ रीजन इस समय बेहिसाब पानी की मार झेल रहे हैं। जूनागढ़ की तस्वीरें भूले नहीं होंगे। वाटर पावर के पास 180 हॉर्स पावर वाली कारें मुकाबले के पहले राउंड में भी बाहर हो गई। इतना पानी आया किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। जूनागढ़ कारों की जल समाधि का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनकर सामने आया। अब चारों तरफ बर्बादी है। जूनागढ़ में बारिश के बाद जो सैलाब आया उसकी तबाही की तस्वीर लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जूनागढ़ में ही एक कॉलोनी में हम मौजूद हैं और इस कॉलोनी की तस्वीर आप देखिए कि इसके कॉलोनी के बाहर जो तमाम गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों की हालत देखिए। सारी गाड़ियां पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, एक के बाद एक आप कई सारी गाड़ियां लाइन में खड़ी हुई देख सकते हैं। लोगों का ये कहना है कि किसी और गली की में खड़ी गाड़ी पानी के सैलाब में किसी और गली में पहुंच गई। यहाँ पे बीच में जो कारवा का नदी जाती है वहाँ से पानी दीवार तोड़ के यहाँ पे घुसाया था। उस सारी गाड़ियां जो डैमेज हुई है पानी में तैर रही, पानी में तैर रही थी, एक दूसरे के ऊपर थी। बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एक गाड़ी और है जिसके ऊपर देखिए यहाँ पर आपको बिजली का खंभा गिरा हुआ नजर आएगा। देखिए तस्वीरें, ये देखिए गाड़ी पूरी तरह से डैमेज है। ये गाड़ी आप देखिए इसकी हालत देखिए किस तरीके की है। पीछे का देखिए पूरा हिस्सा, गाड़ियाँ एक के ऊपर एक चढ़ गई थी, ये तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। ये देखिए इन पूरी गाड़ियाँ देखिए इस गाड़ी का पूरा पीछे का शीशा टूट चुका है। गाड़ी पेड़ से टकराई, उसके बाद स्थिति आप देखिए। सैलाब में डूबे जूनागढ़ की तस्वीरों की चर्चा इसलिए है क्योंकि चंद घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई। मगर सवाल है कि जूनागढ़ डूब क्यों गया, तो इसकी वजह उसकी भौगोलिक बसावट है। जूनागढ़ शहर
गिरनार पर्वत की तराई में बसा है, यानी पहाड़ के निचले इलाके में है। यही वजह है कि जब पहाड़ पर एक साल बारिश हुई, क्लाउड बस्ट हुआ, तब पूरी ताकत के साथ ये पानी सैलाब की शक्ल में शहर में घुस गया। यही वजह है कि सब कुछ डूबने लगा। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर सबसे पहले जो सैलाब का पानी है वो पहुंचा। पीछे आपको एक पहाड़ नज़र आ रहा है, गिरनार पहाड़ है, और बताया जा रहा है कि इसी जगह पर बादल फटने की खबर थी, यहीं से वो सैलाब जो है वो सिटी की तरफ घुसा, और जब ये रास्ते में इसके जो कुछ भी आया तो इसने सब कुछ तबाह कर दिया। ये देखिए अब तस्वीरें कि एक बड़ी दीवार जो थी वो पूरी तरह से टूट चुकी है, यहाँ पर बिजली के बड़े बड़े खंभे थे उनको भी भारी नुकसान पहुँचा है, इसके बीच में जो भी गाड़ियाँ आई वो सबको भाग कर लेकर चला गया, आसपास के लोगों के घरों में पानी घुस गया। लोगों का यहाँ तक कहना है कि सांप मगरमच्छ तक उनके घरों में घुस आए थे, उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद निकाला है। अहमदाबाद का यह वीडियो तो अभी तक सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट वाले इलाके में 22 जुलाई की शाम 2.5 घंटे पानी बरसा था, इसी दौरान 7 इंच से ज्यादा बारिश हो गई। असर यह हुआ कि अप्रोच रोड और टर्मिनल्स के बाहर पानी भर गया, लोग कहने लगे कि एयरपोर्ट नहीं सीपोर्ट बन गया। बारिश तो पहले भी होती थी, जल जमाव पहले भी होता था, मगर पिछले 1-2 सालों से एक पैटर्न बना है। कई इलाकों में एक ही दिन में पूरे मौसम की बारिश हो रही है। जो पानी फसलों के लिए वरदान था, जलाशयों का लेवल बढ़ाता था, वो अब लोगों की जान पर खतरा बनकर बरसता है। पोरबंदर डूब गया, अमरेली में सैलाब का आतंक है, घरों के अंदर पानी की घुसपैठ है, सामान बह रहा है, नवसारी में भी हालात अच्छे नहीं हैं, हाईवे पर जाम लग रहे हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसा है कि सब जगह पे गुजरात के कच्छ सौराष्ट्र जिधर कम बारिश होती थी, अभी आज का डेट में ही उधर 100% से ज़्यादा बारिश हो गई है। उसकी वजह से हम लोग को बारिश का ट्रेंड भी बदला है, 2 घंटे में 10-12 इंच जो बारिश आ जाता है उसकी वजह से पूरा व्यवस्था जो ड्रेनेज सिस्टम है ये सब फेल हो सकता है। लोग जहां फंसे हुए हैं, घरों में कैद हैं, वहां एसटीआरएफ की टीमें पहुंच रही हैं, कई लोगों को सेफ जोन में पहुंचाया जा रहा है, मगर चिंता की बात ये है कि बारिश अभी और कहर बरपा सकती है। मौसम विभाग ने देवभूमि, द्वारका, राजकोट, वलसाड, भावनगर बहुत ज्यादा बारिश की आशंका जताई है। इसके अलावा सौराष्ट्र, कच्छ और साउथ गुजरात में भी कई इलाकों में आसमान से आफत आने वाली है। नवसारी में भी सैलाब यू टर्न ले सकता है। नवसारी की पूरे देश में चर्चित हुई वो तस्वीर थी, सिलेंडर हमने देखा कि पानी में बहते हुए जा रहे हैं, और बड़ी तादाद में हम उसी जगह पर हैं। ये नवसारी में ये इंडियन की वही गैस एजेंसी है, और यहाँ आप देखिए कि पानी ने किया क्या है। देखिए ये दीवार, 3 दीवार तोड़ी है, पहले ये दीवार टूटी है, उसके बाद ये एजेंसी है। यहाँ पर उस समय सिलेंडर यहाँ पर खाली सिलेंडर थे, भरे जा रहे थे, और यहाँ से बहाना शुरू किया है इसको। ये अभी अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस गोडाउन की, और इसके जो ओनर हैं वो हमारे साथ में, दिनेश राठौड़ साहब। राठौड़ साहब मुझे बताइए कितने सिलेंडर आपके बहे, और जगह दिखाइए क्या हुआ। मेरा 300 सिलेंडर तक चला गया, 300 चला, हाँ, इसमें से आधा मिला, अभी 148 अभी भी नहीं मिला है, 148 मिसिंग है। मिसिंग मुझे बताइए दीवार कौन कौन सी टूटी है। ये एक तो फ्रंट साइड की दीवार है गोडाउन की, बाहर की, हाँ। वो बाहर से पानी मेन रोड से आया, हाँ। पानी इतना फ्लो था, हाँ। कि कम से कम 10 को ये पानी आया था। पानी की मार के बाद बर्बादी का हिसाब लगाया जा रहा है, लेकिन जिनके आशियाने पूरी तरह उजड़ गए, खेत डूब गए, चिंता उनकी भी होनी चाहिए, मदद के हाथ बढ़ते रहने चाहिए, मगर ये भी सही है कि पानी अभी और डराएगा। इसलिए बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर आप भी बारिश वाले इलाकों में हैं तो वेदर वार्निंग देखकर बाहर निकलें, बेवजह घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। देखिए गुजरात पर अगले 24 घंटे भारी हैं, तो दूसरी तरफ बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का खतरा एक बार बढ़ गया है। दिल्ली डूब सकती है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि यमुना इस वक्त खतरे के निशान को क्रॉस कर चुकी है।
हर घंटे जलस्तर बढ़ रहा है। खतरे का निशान 205.33 मीटर है, जबकि इस वक्त यमुना का लेवल 206 मीटर को पार कर चुका है। दिक्कत यहां इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अगले 24 से 48 घंटों में यमुना में और ज्यादा पानी आने वाला है। लोगों को अलर्ट कर दिया। क्या दिल्ली एक बार फिर डूब जाएगी? क्या इस बार बाढ़ नया रिकॉर्ड बनाएगी? दिल्ली को बार बार कौन डुबा रहा है? इन तस्वीरों को दिल्ली वाले भूले नहीं होंगे। हफ्ते भर पहले का ये मंजर देश की सुर्खियां बना। दिल्ली में यमुना ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़कर बाढ़ की शक्ल ली। सैलाब ऐसा कि जो रास्ते में आया सब डूबता चला गया। सदियों पुराना लाल किला हो या फिर देश की पहचान राजघाट, दिल्ली में गले तक पानी था। लेकिन ये तो पहला सीजन था, बाढ़ का सेकंड पार्ट रिलीज हो रहा है। आप सभी को सूचित किया जाता है, यमुना का जलस्तर आज रात तेजी से बढ़ेगा, तो कृपया अगर आप सभी किसी ऊंचे व सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। तबाही की मुनादी हो चुकी है। पानी की लहरें डराने लगी। जो निशान खतरे का मीटर बताता था वो खुद जल समाधि की तरफ बढ़ रहा है। यमुना विकराल है, ये सैलाब का प्रलय काल है। जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आपको जो मीटर दिखाई दे रहा है ये पूरी तरह से, देखिए ये जो पैमाना है ये पूरी तरह से आपको डूबा हुआ नजर आएगा। इसी के साथ में जो साइड में कई सारे वो पिलर्स बने हुए हैं, ये पिलर्स करीबन 10 फीट तक बाहर हुआ करते थे पानी से, जो अब जलमग्न नजर आ रहे हैं। और जरा दायरा समझिए कि इस लोहे के पुल और नीचे बहने वाली यमुना के बीच में कितना बचा हुआ है। केवल 3-4 फीट का ये दायरा बचा हुआ है और इसीलिए एहतियातन प्रशासन द्वारा जो लोहे का पुल है ऊपर की तरफ गाड़ियां चलती थी, दोपहिया वाहन चलते थे, तमाम वो आवाजाही जो है वो बंद कर दी गई है खतरे को देखते हुए। इसी के साथ में जो आसपास देखिए लोग रहते थे, कई सारी आपको झुग्गियां हम दिखा देते हैं खाली पड़ी हुई हैं, उन लोगों को हटा दिया है। दिल्ली में मानसून के बाद पानी का लेवल बढ़ता जरूर है, लेकिन यमुना में बाढ़ आ जाए सब कुछ पानी पानी हो जाए ऐसा सिर्फ चुनिंदा इलाकों में दिखता था। मगर जिस तरह पहाड़ों पर बारिश के बाद मैदानी इलाकों की तरफ पानी ने कूच किया, उसने यमुना को खतरनाक बना दिया। यही वजह है कि जो लोग पानी उतरने के बाद कुछ वक्त के लिए नीचे आ गए थे, बाढ़ के बाद के कीचड़ को साफ कर रहे थे, उन्हें फिर से डर सताने लगा। बाढ़ का पानी इस इलाके में इतना ज्यादा आया कि ये इलाका जो है पूरी तरह से डूब गया था, घर पानी में डूबे हुए थे और अब मिट्टी इतनी ज्यादा, गाद इतनी ज्यादा भर गई है गलियों में घरों में कि लोग अभी एक हफ्ते से लगातार इसकी सफाई में लगे हुए हैं लेकिन अभी तक इसको साफ नहीं कर पाए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बढ़ता यमुना का जलस्तर इन लोगों को सता रहा है कि ऐसा ना हो कि वापस से बाढ़ जैसे हालात बन जाएं और जो सुधरने की कोशिश की है, जो वापस से उभरने की कोशिश की है, तो वापस हम कहीं उसी दलदल में ना फंस जाएं। यह इलाके के लोग हैं जिनके पैरों की तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, पैरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर मेहनत और मिट्टी में ये लोग उतरे हुए हैं सिर्फ अपने घर और अपनी गलियों को साफ करने के लिए, ताकि वापस से इनका जनजीवन पटरी पर आ जाए। लेकिन हालात अभी कुछ ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे बताइए कब से लगे हुए मेहनत में? ये तो कम से कम 2-5-6 दिन से लगे हुए। लोगों में नाराजगी है, तकलीफ है, पानी की मार से परेशान है और ये समझा जा सकता है क्योंकि बार बार घर बसाने की जद्दोजहद हरगिज आसान नहीं है। मगर बार बार दिल्ली पर बाढ़ का खतरा क्यों मंडरा रहा है, सवाल का जवाब इन तस्वीरों में मिलेगा। हथनी कुंड बैराज हरियाणा का वो जोन जहां से दिल्ली में यमुना का पानी दाखिल होता है। पहाड़ों में ज्यादा बारिश होती है तो इसके फ्लड गेट भर जाते हैं, पानी का प्रेशर कम करने के लिए गेट खोले जाते हैं। इसी दरमियान अगर बैराज में ज्यादा पानी छोड़ दिया तो फिर दिल्ली में यमुना का लेवल बढ़ता है। अगर पानी का फ्लो सामान्य है तो चिंता नहीं, मगर दो हफ्ते में लगातार दूसरी बार हथनी कुंड बैराज से बहुत ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। शनिवार को बैराज से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, रविवार को 90,000 क्यूसेक पानी रिलीज हुआ, कुल मिलाकर 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा सकता है। हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण राजधानी दिल्ली में यमुना नदी
एक बार फिर उफान पर है, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। आप देखिए हथनीकुंड बैराज पर ही इस वक्त मौजूद है और शनिवार को यहाँ पर करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो करीब 72 घंटों के अंदर अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली पहुंच जाएगा। लगातार पहाड़ों पर हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में बरसात हो रही है और इन्हीं पहाड़ों का जो पानी है वो नीचे हथनीकुंड बैराज पर पहुंचता है और उसके बाद जब पानी बहुत ज़्यादा यहां पर आता है तो उसे दिल्ली की तरफ छोड़ दिया जाता है। और शनिवार को एक बार फिर से करीब 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी हो गया था जो छोड़ा जा रहा था। धीरे धीरे ये पानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि अगले 60 से 72 घंटे काफी क्रिटिकल रहने वाले हैं, क्योंकि उस वक्त तक ये सारा पानी दिल्ली में होगा और फिर दिल्ली के निचले इलाके एक बार फिर पानी की चपेट में आ सकते हैं। आदेश दे दिए गए हैं, करीब 60 टीमें हमारी 24 घंटे यमुना की एम्बैंकमेंट्स की निगरानी रख रहे हैं। जहाँ पे भी पहले पानी घुसा था उनको जो है मजबूत करा गया है ताकि इस बार पानी ना घुसे, और सभी डिपार्टमेंट जो हैं हाई अलर्ट पे। सरकार कहती है कि नजर रखे हुए सिस्टम हाई अलर्ट पर है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इस पूरी सिचुएशन से यमुना किनारे वाले दुकानदार परेशान हैं। पिछली बाढ़ की मार से उबरे नहीं कि एक बार फिर बोरिया बिस्तर समेटना पड़ सकता है। जितने मकान है सब बर्बाद हो चुके हैं और दुकान दोनों मिला के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस टाइम, क्योंकि पहले से वैसे काम है ही नहीं हमारे यहाँ पे पीटा हुआ, इसके ऊपर अभी बाहर आ गया तो और ज़्यादा नुकसान, डबल नुकसान हो गया। यमुना के पानी का आफ्टर इफेक्ट गाजियाबाद और नोएडा में दिखने लगा है। हिंडन नदी वाला इलाका काफी डूब गया है। हिंडन से लगे करीब एक दर्जन गाँव जलमग्न है, घुटनों से ऊपर पानी है। करेड़ा गाँव में तो करीब 5 फीट तक पानी भर गया है। किसी अनहोनी को देखते हुए पिछले 3 दिन से इलाके की बिजली काटी गई, कई लोगों को ऊंचे इलाके में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन अब भी पानी से परेशानी बनी हुई है। कई लोगों को तो ट्रैक्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक जो हिंडन रिवर है उसने काफी गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरह से पानी लगातार बढ़ रहा है। आधे से ज्यादा घर जो यहां पर है मौजूद है वो आप देख सकते हैं वो पानी की चपेट में आ चुके हैं। कब ये पानी भरना शुरू हुआ मैम? इसके लिए आज से 4 दिन हो गए। 18 तारीख में पानी यहाँ पर आया हुआ था और हमारे घर पूरी तरह से डूब चुके हैं मैम, हम ज्यादा बड़ी दिक्कत में है। पहाड़ों पर जितना पानी बरसा उसी का आफ्टर इफेक्ट यमुना में दिख रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बीते 40 से 50 सालों में ऐसी बाढ़ नहीं देखी। सवाल है कि क्या इसी तरह हर साल सैलाब काल आएगा? क्या ग्लोबल वार्मिंग और मौसम की उल्टी चाल इंसान को हर बार लाचार बना देगी? कहते हैं कि मोहब्बत के आगे कठोर से कठोर दिल वाला भी बेबस हो जाता है, लेकिन जब दिलों में नफरत के बीज उगे हों तो प्यार के पेड़ भला कहां से लगे। सचिन के प्यार में सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गई, लेकिन अब उसके पीछे पूरा मुल्क पड़ गया है। पाकिस्तान के 23 करोड़ लोग सीमा की जान के दुश्मन बन गए हैं। कराची से लाहौर तक सिर्फ सीमा के ही चर्चे हैं। कोई उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है तो कोई पाकिस्तान में ना घुसने की नसीहत दे रहा है। पाकिस्तान से आ रही कट्टरपंथ की ऐसी आवाजें सीमा को हर रोज परेशान कर रही हैं और इन धमकियों से जिन्नावादियों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो अपनी झूठी शान के लिए कुछ भी करने के लिए आज भी तैयार खड़े हैं। मैं तो जाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। मुझे वजह सबको पता है, आप धमकियां सुन चुके होंगे। मेरा वहां फ्यूचर नहीं है, तब मौत है बस। सीमा है पाकिस्तान नहीं जाएगी, मार्शल लॉ जरूर लगवाएगी। पाकिस्तानी सीमा हैदर की हिंदुस्तानी सचिन से मोहब्बत का पन्ना जिस दिन से खुला है सरहद पार, जिन्ना लैंड में कट्टरपंथ का तूफान तभी परवान पर है। लड़की जिससे गया है तुम्हारा पाकिस्तान से गया इंडिया में, दिल्ली में गया। कुरान के मुतालिक जिसने कुरान की बेहरमती की है वैसे इसने हमारे इस्लाम की है। अच्छा, इसके लिए भी वही सजा होनी चाहिए जो उनके लिए है। ठीक है, यानी कि सजा मिलनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। ने अपनी तरफ से ये वावेला किया है कि मुझे मेरे शोहर ने तलाक दे दी है,
मैंने खुला ले लिया है। मुर्तद की जो सज़ा है वो वाजिबुल कत्ल है और उसे हमने कत्ल नहीं करना। कट्टरपंथ के मुहाफिजों को नया मसाला मिल गया है। सोशल मीडिया से लेकर गली और बाजारों तक सीमा हैदर का नाम चर्चा में है। कट्टरपंथ के लिबास में जहालत आसमान पकड़ रही है। सुनने में आया है कि वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं। पाकिस्तानी तो वो, उसको अगर पाकिस्तानी होती तो उसको हिंदी बोलने में इतना आसानी कैसे पैदा हो जाती। वो तो हिंदी फर फर बोल रही है, वो तो हिंद को है। असल में सीमा जो है ना, सीमा बहुत चलाक लड़की है, बहुत चलाक लड़की है और बहुत सारे मुल्कों के इसके पास पासपोर्ट भी हैं और वो जो है ना पाकिस्तानी है ही नहीं। ऐसी बेगरत लड़कियां बहुत आती हैं और जाती हैं। मैं कौम को ये मशवरा दे रहा हूँ और अपने जो माए बहन है इज्जत से महफूज अपने कोने में सफ़ेद पोशी की जिंदगी काट रही हैं उनकी फिक्र करें। सीमा देसी बेगरत औरतें बहुत हैं। मेरी जा जरा के भूल कर लो, मेरा दिल धड़के, मेरा दिल धड़के। आखिरत में क्या है, सीमा जन्नत में जाएगी दोजख में जाएगी? दोजख का काम करा तो दोजख में जाएगी। पाकिस्तान में दो वक्त की रोटी मुहाल है, लेकिन कट्टरपंथी सीमा हैदर को वापस लाने की रट लगाए बैठे हैं। सवाल है, कट्टरपंथी सीमा हैदर को वापस क्यों लाना चाहते हैं? सीमा हैदर वापस गई तो क्या होगा? क्या सीमा हैदर के चलते पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगेगा? इन सवालों का जवाब पाकिस्तान की हर गली नुक्कड़ पर हो रही चर्चा में सीमा के लिए इस्तेमाल हो रहे शब्दों में छिपा है। लोगों से प्यार करना, उनके साथ मिलजुल के बैठना, नो डाउट बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं खुद बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इंडिया जाना मुझे बहुत शौक है और मैं उधर लोगों को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, नरेंद्र मोदी साहब की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन अपने मज़हब को छोड़कर आप किसी और के मज़हब में कन्वर्ट हो जाएं, इस्लाम को छोड़ के आप दूसरे रिलीजन में चले जाएँ, ये इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है और ये बहुत ही गलत है कि वो अपने मज़हब को छोड़ के उनके मज़हब में चले। ये पाकिस्तान की वो तस्वीर है जो गुरबत में डूबे एक देश को लेकर नए सवाल पैदा कर रही है, क्योंकि फटेहाल पाकिस्तान के नागरिक सीमा हैदर को लेकर जहर उगल रहे हैं तो कट्टरपंथी संगठन भी एक्टिव हो गए हैं। मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम मर्द से निकाह कर रही है, हालांकि कुरान के साफ अल्फाज हैं, वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिन्ना। मुशरिक मर्द से औरत निकाह, मुसलमान औरत निकाह नहीं कर सकती जब तक कि वो ईमान कबूल नहीं कर लेता, इस्लाम कबूल नहीं कर लेता। मर्द को इजाजत है कि ईसाई या यहूदी औरत से निकाह कर सकता है चंद शर्तों के साथ। वैसे तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, लेकिन आलम यह है कि कराची की पहचान इन दिनों सीमा हैदर से होने लगी है। कराची की गंदगी से अटी पड़ी ये वो संकरी सी गली है जहाँ सीमा हैदर हिंदुस्तान आने से पहले रहती थी। इस मकान के मालिक मंजूर हुसैन का कहना है कि हिंदुस्तान में बोला गया सीमा हैदर का हर एक लफ्ज झूठा है। मजलिस करती थी रमजान महीने में, कभी कभी रोजे भी रखती थी, नमाज पढ़ती थी, ये झूठ बोल रही है तो हमारे को सलमान भी नहीं आता, नमाज भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। यानी सीमा हैदर का हिंदुस्तान आना पाकिस्तानियों के गले नहीं उतर रहा, वो किसी भी हालत में सीमा हैदर की वापसी चाहते हैं। आलम यह है कि हिंदुस्तान में जैसे जैसे सीमा हैदर का एक एक दिन गुजर रहा है, पाकिस्तान में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है जो एक बार फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ की ओर इशारा कर रही है। भारत का चंद्रयान लॉन्चिंग के कई दिनों बाद भी सुपर ट्रेंडिंग है। चंद्रयान 3, इस नाम ने खुद को महाशक्ति समझने वाले चीन को बौखला दिया है। स्पेस रेस में भारत की शान बनकर चंद्रयान 3 जैसे जैसे चांद की सतह के करीब जा रहा है, वैसे वैसे बीजिंग में बैठे तानाशाह का टेंपर भी हाई हो रहा है। जमीन और जल पर विस्तारवाद की रक्त रंजित निशानियां छोड़ने वाला चीन अब अंतरिक्ष में तनाव बढ़ाने वाला है। चीन अब चांद पर दादागिरी दिखाने के मूड में। खबर है कि चंद्रयान 3 की उड़ान से बौखलाए जिनपिंग ने अपने स्पेस साइंटिस्ट को मिशन मून में तेजी से जुट जाने का सख्त ऑर्डर दिया। स्पेस रेस में खुद को बादशाह साबित करने के लिए चीन बेचैन है। 2027 तक चीन अंतरिक्ष में
इंसानों को भेजने के मिशन में जुटा है। चीन के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में फोकस मून पर भी है। 2030 तक चीन का मंसूबा चांद पर एस्ट्रोनॉट उतारने का। अब चीन के मिशन अंतरिक्ष पर मुहर लगाती इस ताजा तस्वीर को देखिए। ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से चीन ने पहले फ्लैट पैनल वाले सैटेलाइट को लॉन्च किया। चीन की ये पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसमें फ्लेक्सिबल सोलर विंग्स लगे हैं। चीन के बैक टू बैक प्रोग्राम्स की वजह से अंतरिक्ष में कूड़ा फैल गया है जो स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बहुत खतरनाक है। यूं तो चीन अब तक नासा से टक्कर लेता था लेकिन न्यू इंडिया के स्पेस प्रोग्राम और मिशन मून की तरक्की देखकर ड्रैगन दंग है। वो समझ चुका है कि स्पेस रेस में भारत भी एक बिग प्लेयर है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कल से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हो जाएगा। एएसआई की टीम कल से ये सर्वे शुरू करेगी और सुबह 7 बजे से परिसर में सर्वे शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद ये होने जा रहा है। कल सर्वे का आदेश कोर्ट ने दिया है जिसके बाद अब कल से ही ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। एएसआई की टीम कल सुबह 7 बजे ही पहुंच जाएगी ज्ञानवापी परिसर और फिर वहां पर सर्वे शुरू हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई, जहां कल से ज्ञानवापी परिसर में सर्वे शुरू हो जाएगा। सर्वे के लिए टीम पहले से ही तैयार है और कल सुबह 7 बजे से उस परिसर का सर्वे करने के लिए टीम वहां पर मौजूद रही। वाराणसी कोर्ट ने इसका आदेश दिया है, उस परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया गया है जिसके बाद से ही अब कल से ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस पर और क्या जानकारी है, क्या कुछ तैयारी है टीम की, रुक करते मेरे सहयोगी संजय का। संजय किरण, देखिए ज्ञानवापी का सर्वे कराने को लेकर के हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की थी जिस पर कोर्ट ने कहा था कि इसका सर्वे कराया जाए और 4 तारीख तक वो पूरे सर्वे की रिपोर्ट सबमिट की जाए। इसमें यह भी कहा गया था कि जो विवादित हिस्सा है उसको छोड़ करके सर्वे कराया जाएगा जिसमें कि वजू खाना के ऐसा सर्वे नहीं होगा, इसके अलावा अन्य जो विवादित परिसर है उनका सर्वे नहीं होगा। उसके अलावा अन्य जो भी जहां पर भी हिंदू पक्ष की डिमांड है कि सर्वे करा करके देखा जाए कि जो शिवलिंग है उसका पौराणिक इतिहास कितना है, वो सारी चीजों को लेकर के सर्वे होगा और उस पर कार्रवाई कल सुबह 9 बजे मान के चलिए शुरू होगी। एएसआई की जो टीमें हैं वो वाराणसी पहुंच चुकी हैं और पूरी पुलिस सुरक्षा के बीच में सर्वे होगा। पहले भी आपने सीन देखा था कि जब सर्वे की कार्रवाई एक बार कोर्ट ने कराई थी तो उस वक्त भी भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था, उसके बाद सर्वे की कार्रवाई हुई थी। हालांकि कोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज जताया है और उन्होंने कहा कि हम इसे लेकर के जो उच्च न्यायालय है वहां जाकर के अपील करेंगे, वो अलग विषय है, लेकिन सर्वे की कार्रवाई जो लोअर कोर्ट के जरिए आदेश पर हुआ है वो कार्रवाई कल से सुबह शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल संजय, जिस तरह की जानकारी दे रहे हैं संजय, देखिए जैसा आपने खुद ही कहा कि इसका विरोध भी हो रहा है क्योंकि वो इस सर्वे से एक पक्ष बिल्कुल भी राजी नहीं है, लेकिन चूंकि कोर्ट का आदेश है कल सुबह 7 बजे से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। किस तरह के इंतजाम वहां पर और सर्वे की टीम में कौन कौन शामिल होगा, इसे लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए सर्वे के लिए जो विशेषज्ञ टीम है जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो सारी की सारी शामिल रहेगी और ज्ञानवापी परिसर के जो ठीक सामने का जो रास्ता जाता है चौक थाने से होकर के उस पूरे इलाके को बैरिकेड किया जाएगा, पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। और अभी इस वक्त पुलिस कमिश्नर जो वाराणसी के हैं उनके यहाँ पूरी समीक्षा की जा रही है कि आखिरकार इस सर्वे को सुरक्षा किस तरह से दी जानी है। जो टीम जाएगी उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी भी जाएंगे, हिंदू पक्ष के जो वकील हैं याचिकाकर्ता हैं वो भी सर्वे टीम के साथ भीतर जा सकते हैं। और भीतर सर्वे के दौरान मैंने आपको पहले ही बताया कि वजू खाने की को छोड़कर पूरे जो परिसर है उसका सभी का सर्वे किया जाएगा और विशेषज्ञ टीम पहुंच चुकी है। अभी समीक्षा की जा रही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी प्रकार से ना बिगड़े, उसके लिए पुलिस इंतजाम क्या होंगे, टीएसी के इंतजाम क्या होंगे, ये सारा कुछ देखा समझा जा रहा है। और कल सुबह लगभग 9 बजे ये सर्वे के लिए टीम निकलेगी और उस वक्त सारा का सारा जो इलाका है उसको छावनी में तब्दील किया जाएगा। फिर ठीक है, आप संजय इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। तो देखिए क्योंकि कोर्ट का आदेश है जिसके बाद सर्वे का आदेश दिया गया कोर्ट की तरफ से और अब कल से यह कार्रवाई शुरू भी हो जाएगी, इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा,
ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।